गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग निवेदन से संबंधित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं अथवा निमंत्रण सूचक वाक्यों का किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में बनावट के आधार पर यानी कंस्ट्रक्शन के आधार पर और भाव के अनुसार यानी उसमें कौन सा अर्थ निहित है, कैसे हिंदी से अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार से अनुवाद किया जाता है यानी अंग्रेजी में कैसे रिक्वेस्ट किए जाते हैं और इनविटेशन दिए जाते हैं और कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट पोलाइट इनविटेशन किया जाता है। पहला है मुझे टेलीफोन करने देने की कृपा करें या कष्ट करें या कीजिए। मुझे टेलीफोन करने देने की कृपा करें, मुझे टेलीफोन करने देने का कष्ट करें, मुझे टेलीफोन करने देने की कृपा कीजिए। अथवा दूसरा है क्या मैं आपका टेलीफोन का उपयोग कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग कर सकता हूं या कर सकती हूं। अथवा वही वाक्य ऐसे भी हो सकता है क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग करूं, क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग करूं। किसी प्रकार से आप परमिशन मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं। कुड आई यूज योर फोन, कुड से नम्र निवेदन की शुरुआत होती है। कुड आई यूज योर फोन अथवा माइट आई यूज योर फोन अथवा शैल आई यूज योर फोन, आप प्लीज भी लगा सकते हैं। शैल आई यूज योर फोन प्लीज या माइट आई यूज योर फोन प्लीज, टेलीफोन प्लीज, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा। कुड आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन प्रयोग कर सकता हूं। माइट आई यूज योर टेलीफोन या शैल आई यूज योर टेलीफोन। दूसरा है क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं या कल मिल सकती हूं, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं या मिल सकती हूं। कुड आई सी यू टुमारो, कुड आई सी यू टुमारो अथवा माइट से बनाएंगे तो माइट आई सी यू टुमारो और शैल से बनाएंगे तो शैल आई सी यू टुमारो, यानी तीन वाक्य जैसे यहां तीन बने ना, कुड से माइट से और शैल से, वैसे इसका भी हो जाएगा। कुड आई सी यू टुमारो पहला, शैल माइट आई सी यू टुमारो और तीसरा शैल आई सी यू टुमारो। तीसरा मेरी थोड़ी मदद की जा या मुझे थोड़ी मदद करने की कृपा करें, मेरी थोड़ी मदद की जा या मेरी थोड़ी मदद करने की कृपा कीजिए या करें। कुड यू हेल्प मी ए लिटिल, कुड यू हेल्प मी ए लिटिल, यहां देख रहा है यू को सब्जेक्ट बनाया गया। नंबर चार मुझे 153,307 देने का कष्ट करेंगे या 153,370 देने का कृपा करेंगे, मतलब टेलीफोन नंबर या कृपा करें। कुड यू गिव मी 153,307 टेलीफोन नंबर, मतलब पोस्ट में समझा दिया गया कि ये टेलीफोन नंबर है। कुड यू गिव मी 153,307। पांचवा क्या सुई में धागा लगा दूं, क्या सुई में धागा लगा दूं, शैल आई थ्रेड द नीडल, क्या सुई में धागा लगा दूं, शैल आई थ्रेड द नीडल। रूल कैसे बना है, कुट सबसे पहले कुट लगाया फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट में आई और यू में से कोई एक, कुड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आई या यू, जैसे कुड यू हेल्प मी यहां था, कुड आई यूज योर फ्रेंड यहां आई था, यहां यू था, तो कुड प्लस सब्जेक्ट आई यू और इन्फिनिटिव विदाउट टू, जैसे यूज हेल्प या ना यूज यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू और अदर वर्ड्स। कुड यू हेल्प इन्फिनिटिव हो गया विदाउट टू अदर वर्ड्स। दूसरा है माई प्लस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में आई होगा,
माइट सब्जेक्ट के स्थान पर आई, इन्फिनिटिव लगेगा लेकिन विदाउट टू, जैसे यहां दिया हुआ है माइट आई यूज योर फोन, माइट आई यूज योर फोन, यह हो गया माइट सब्जेक्ट आई इन्फिनिटिव विदाउट टू अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में योर टेलीफोन। तीसरा है सर सब्जेक्ट में आई होगा, सर सबसे पहले लगाया, सब्जेक्ट में आई उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू तब अदर वर्ड्स। नोट, ऐसे वाक्यों में कुड के साथ कर्ता के रूप में आई यू आता है, ऐसे वाक्यों में कुड के साथ कर्ता के रूप में आई अथवा यू आता है, पर माइट शैल के साथ आई आता है। ध्यान रखेंगे ऐसे वाक्यों में कर्ता के स्थान पर कुड के साथ आई आता है और यू भी आता है, लेकिन माइट और शैल के साथ आई आता है, यू नहीं आता, यू का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देंगे ऐसे वाक्यों में कुड के साथ सब्जेक्ट के स्थान पर आई या यू आता है, लेकिन माइट और शैल के साथ केवल आई आता है, यू नहीं। इस प्रकार के वाक्यों में ही सी का प्रयोग नहीं होता, ऐसे वाक्यों में ही अथवा सी का प्रयोग नहीं किया जाता। नोट नंबर दो, ऐसे वाक्यों के कुड माइट से वर्तमान भविष्यत काल का बोध होता है, ऐसे वाक्यों के कुड अथवा माइट से वर्तमान या भविष्यत काल का बोध होता है, भूतकाल का नहीं। कर ऐसे वाक्य जो लिखे जाते हैं निवेदन वाला, इसे वर्तमान का अथवा भविष्यत का बोध होता है, भूतकाल का नहीं, यानी पास्ट टेंस में नहीं। नंबर तीन, ऐसे वाक्यों का अनुवाद कुड माइट के बदले, कर ऐसे वाक्यों का अनुवाद कुड आवलिक माइट के बदले कैन आवलिक में से भी हो सकता है, कर ऐसे वाक्यों का अनुवाद कुड आवलिक माइट के बदले कैन या में से भी हो सकता है, पर कैन आवलिक में उतना अच्छा नहीं होता, पर कैन आवलिक में उतना अच्छा नहीं होता जितना कुड माइट से। क्यों? यानी इसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैन और में से भी हो सकता है, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना कुड और माइट से। क्यों, ऐसा क्यों है? इसलिए कि कैन और में से अनुमति परमिशन लेने का और देने का भाव भी प्रकट होता है, इसलिए कि कैन और में से अनुमति परमिशन का भाव भी प्रकट होता है, और यह समझना कठिन हो जाता है कि वाक्य से अनुमति का भाव व्यक्त होता है या निवेदन का। मतलब कहना यह चाहता कि कैन और में ऐसे मॉडल एक्जिलरी वर्ब हैं कि अगर उससे वाक्य बनाते हैं तो समस्या एक खड़ी होती है कि कैन और में से अनुमत का भाव भी व्यक्त होता है, और ऐसे समय में यह समझना बिल्कुल कठिन हो जाता है कि इस वाक्य से अनुमत मांगी गई है अथवा निवेदन किया गया है। जैसे क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, कैन आई सी यू टुमारो अथवा मे आई सी यू टुमारो। ध्यान दीजिएगा, करा कि क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं, कैन से बना कैन आई सी यू टुमारो अथवा मे आई सी यू टुमारो। आप इससे देख रहे हैं निवेदन का भाव भी है और अनुमति भी मांगी गई है, यानी इस वाक्य के माध्यम से दोनों भाव प्रकट दिखाई दे रहे हैं, कि दोनों भाव प्रकट का यह है कि इसमें निवेदन का भाव भी है और अनुमत का भाव भी है। लेकिन जरा इससे देखिए, कुड आवलिक माइट, यानी कुड आई सी यू टुमारो, कुड आई सी यू टुमारो,
या माइट आई सी यू टुमारो से केवल निवेदन का भाव व्यक्त होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कैन आई सी यू टुमारो से या मे आई सी यू टुमारो से निवेदन प्लस अनुमति दोनों का भाव व्यक्त होता है, मिक्स्ड है। लेकिन कुड या माइट आई सी यू टुमारो से केवल निवेदन का भाव व्यक्त होता है। नंबर दो, कुछ वाक्यों में शैल आई विल यू के बदले शैल वी का प्रयोग होता है। करा कुछ वाक्यों के अंतर्गत शैल आई विल यू के बदले शैल वी का प्रयोग होता है और इनकी सहायता से बहुत बुद्धिमानी से निवेदन का भाव व्यक्त कर दिया जाता है। करा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें शैल आई और विल वी को विल यू के बदले शैल आई या विल यू के बदले शैल वी का प्रयोग होता है और इनसे यानी शैल वी शैल शैल वी से की सहायता से बहुत बुद्धिमानी से निवेदन का भाव व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे क्या आप मेरे साथ नाचेंगी, शैल वी डांस टुगेदर, देख रहे हैं वी आ गया, शैल वी डांस टुगेदर। क्या आप मुझसे शादी करेंगी, शैल वी गेट मैरिड, शैल वी गेट मैरिड। क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे, शैल वी डाइन टुगेदर, शैल वी डाइन टुगेदर। क्या आप मेरे साथ टहलोगे, तो शैल वी वॉक टुगेदर, शैल वी वॉक टुगेदर। नोट, यहां देखना कितनी आसानी से बुद्धिमानी पूर्वक निवेदन का भाव व्यक्त कर दिया गया है शैल वी से, शैल वी डांस टुगेदर, क्या साथ साथ नाचेंगे, शैल वी गेट मैरिड, क्या आप मुझसे शादी करेंगी, शैल वी डाइन टुगेदर, क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे, क्या आप मेरे साथ टहलेंगे, शैल वी वॉक टुगेदर। नोट, ऐसा अनुवाद भाव के आधार पर होता है, वाक्य की बनावट के आधार पर नहीं। कारण यह जो नीचे का ट्रांसलेशन किया गया है यह अनुवाद वाक्य के भाव के आधार पर किया गया, वाक्य के कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के आधार पर नहीं।